तो हेलो फ्रेंड्स, फिलहाल आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी के अध्याय नंबर 7 से संबंधित हम लोग बिंदुओं को आज प्रमुख रूप से देखेंगे। 5 अध्याय 6 अध्याय आपकी ऑलरेडी हमने करा दिया है। आज हम लोग 7वें अध्याय में संघ एवं राज्य क्षेत्र को पढ़ेंगे, यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाएंगे और अंत में आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप सभी को इसी वीडियो से मिल पाएगा, जिसे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को, जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 यानी 30 तीसरे खंड के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न 3 क्षेत्र को शामिल किए गए हैं। यानी कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। वे क्षेत्र जो राज्यों के क्षेत्र होते हैं, वे भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर, संघ राज्य क्षेत्र जिसको केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वे भी हमारे भारत के अंग कहलाते हैं। या तीसरे नंबर पर आता है ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हों। याद रखेंगे, किसी भी माध्यम से कुछ अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हों, संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के क्षेत्र, इन तीनों को मिलाकर भारत जो है राज्यों का संघ बन पाता है और भारत का राज्य क्षेत्र इस प्रकार से निर्धारित होता है। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 1-3 में किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं प्रमुख परीक्षा उपयोगी बिंदुओं के दूसरे नंबर पेज को ध्यान से देखिएगा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को होती है। आप सभी जानते हैं कि संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के बनती है। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को होती है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। दिस इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह हमारे संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, इन आर्टिकल 1। आगे है, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीट आरक्षित होंगे, ऐसी प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिक से अधिक 20 सीट ही हम लोग आवंटित कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर 2 भागों में बंटा, लद्दाख और फिर क्या, जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर फिलहाल में केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि आप जानते हैं। नए राज्यों के गठन का शक्ति संसद के पास होती है। किसी भी नए राज्य को अगर गठित करना है तो इसकी शक्तियां जो होती हैं संसद के पास होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के ऐसा कर पाते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग फजल अली आयोग है। इसका गठन 1953 में किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि फजल अली आयोग का जो संबंध है वह किससे है, राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित। इसका गठन जो है 1953 में किया गया, लागू 1926 को होती है, जो राज्य पुनर्गठन के 56 में होती है, जो राज्य पुनर्गठन के नाम से जानी जाएगी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो आप समझ सकते हैं आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। आइए बढ़ते चलते हैं प्रमुख परीक्षा उपयोगी बिंदुओं के तीसरे नंबर पेज में। थोड़ा छोटा सा लिखा गया होगा लेकिन जरूर समझ में आ जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे। 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया है। तो सबसे पहले किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य का गठन हुआ, 36वें संविधान संशोधन कब किया गया, 1975 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया है। वहाँ पर जनता चाहती थी कि हमारा विलय जो है वो भारत में किया जाए, इस आधार पर जूनागढ़ को मिलाया गया है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को आप सभी जानते हैं। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही द्वारा भारत में शामिल किया गया है। यानी किस रियासत को ज़बरदस्ती भारत में मिलाया गया, तो वो हैदराबाद रियासत है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपना एक प्रमुख भूमिका रही है।
जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की वजह से उन्हें भारत में शामिल किया गया है। हरि सिंह पाकिस्तान के डर से भारत के साथ विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर कर दिए, यही कारण है कि जम्मू कश्मीर हमारा अटूट भारत का अंग है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगली बिंदु है असम को 1969 में, नागालैंड को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर को 1972 में, अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में राज्य का दर्जा मिला हुआ है, मेघालय को 1972, त्रिपुरा को 1972, सिक्किम को 1975-76 में तथा मिजोरम को 1986-87 में जो है राज्य का पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिला हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात, भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है। 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ गुजरात का ये कच्छ संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा जिला के लिए विख्यात है। सबसे छोटा जिला जो है माहे पुदुचेरी है, जो मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आइए बढ़ते चलते हैं, अब इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? सही आंसर है अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संसद को नया राज्य बनाने की अधिकार है, वे अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत आता है। बढ़ते चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत के राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है ये एक विवादित क्वेश्चन हो गया, भारत के राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है, सबसे पहले कौन बना था? तो इसमें सबसे पहले मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है वे है हरियाणा। हरियाणा जो है 1966 में अस्तित्व में आया। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है, इसमें से देख लेते हैं कि हरियाणा के बाद क्या आएगा। तो अब देख लेते हैं, कुछ हमको आंसर में डाउट लग रहा है। हरियाणा 1966 में अस्तित्व में आता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश, और फिर हिमाचल प्रदेश जो है 1971 में आता है, जरा देखेंगे। अब उसके बाद हम सजाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश को जो है 1986-87 में आता है, 86 और 87 में। देख लेते हैं आंसर गलत तो नहीं है। हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो होती है वह होती है 1971 में। तो फिर से देखेंगे 1971 में। और थोड़ा देख लेंगे सिक्किम को। सिक्किम को हमने बताया कि सिक्किम को जो है 1975-76 में आता है, यानी कि 75 में। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले हरियाणा सबसे पहले आता है 1966 में, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आना चाहिए 1971 वाली, यानी कि 1971 जो है वह है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश नंबर 2 पर आने चाहिए, जो कि इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है किताब के हिसाब से गलत साबित हो जाता है। सबसे पहले आपको 3 नंबर हो जाएगा, हरियाणा सबसे पहले आता है। दूसरे नंबर पर आएगा 1971 वाला, कौन? 1971 वाला जो है हिमाचल प्रदेश आएगा, यानी कि 2 नंबर इसका इसके बाद आएगा। उसके बाद आता है, उसके बाद जो है वह 1975 में कौन आता है? सिक्किम, यानी कि 4 हो जाएगा। और अंत में आंध्र प्रदेश का निर्माण जो है 86-87 में होती है। तो 3, 2, 4, 1 क्या किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं, बिल्कुल कुछ किताबों में इस प्रकार से लिख दिया गया है, बाई मिस्टेक हमने इसको ये टाइप कर लिया और इस प्रकार से विवादित क्वेश्चन हो गया। तो देख लेंगे भारत के राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है। तो 1966 में हरियाणा का निर्माण होता है, 1971 में हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद 1975 में सिक्किम, तो वहीं आंध्र प्रदेश का निर्माण 86-87 में होता है, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। अगली क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, नए राज्य के गठन की शक्ति कहाँ पर निहित है? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो हम सबने बताया, हमने आपको तुरंत बताया कि नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वह संसद के पास होती है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को नए राज्य का दर्जा मिला? किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को नए राज्य का दर्जा मिला? इसको तुरंत मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। आइए बढ़ते चलते हैं, अगले क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की स्थापना जो है सन 2000 ईस्वी में हुआ था। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? 69वां संविधान संशोधन। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला है, पूर्ण राज्य
राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्यों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों मैं बताऊं कि सबसे पहले इसमें हरियाणा आना चाहिए, जो कि बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, क्विट कर देते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले जिस राज्य का गठन हुआ उसका नाम था आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य कब स्वरूप में आया? छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया? सही आंसर है 1 नवंबर 2000 को। अब वहीं पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अपने स्वरूप में आया हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कहता है नए राज्यों के निर्माण के लिए कौन सा संवैधानिक उपबंध आवश्यक नहीं है? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, नए राज्यों के निर्माण के लिए कौन सा संवैधानिक उपबंध आवश्यक नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दिया जाए, किसी राज्य का क्षेत्र घटा दिया जाए, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया जाए, ये सभी तो हैं, लेकिन किसी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा यह आवश्यक नहीं है, लेकिन ये तीनों के ऊपर के लागू हो सकते हैं, लेकिन 4वां नंबर ऑप्शन जो है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा ये आवश्यक नहीं है नए राज्यों के निर्माण के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए होंगे। आज चलते चलाते क्वेश्चन ऑफ द डे हम देख लेते हैं। आज के प्रश्न आपसे पूछेंगे, असम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? इस वीडियो में ही आपके आंसर दिए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अगर ध्यान से आप देखे होंगे या फिर पॉज करके इसको रिवर्स करके देखेंगे तो आपको जरूर इसके आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, असम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? कमेंट इफ यू नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो माई डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।